ही बड़ा है ओला में बड़ा। छोड़ मत इसको, हम नहीं गिर जाए, टूट जाए तो कहीं नीचे गिर जाए। हेलो तो प्यारे सजनों, अंजनी नंदन माता जानकी को लेकर और लंका के रण क्षेत्र में आ गए हैं। प्रभु ने कहा कहे सीते, और आप तो सारी बातें जानते ही हैं। जिस समय भगवान श्री राम पंचवटी पर रह रहे थे, खरदूषण का विनाश करने को आकर थे, उस समय लक्ष्मण जब पुष्प लेने के लिए गए, भगवान ने सीते को कहा रे सीते, अब वो समय आ गया है जिस हेतु मैंने और आपने अवतार धारण किया है। और उन्होंने कहा सीते आप अग्नि में प्रवेश कर जाओ। लक्ष्मण जी को भी इस बात का बिल्कुल भेद नहीं था। लक्ष्मण हूं यह मरम न जाना जो कछु चरित्र रचा भगवान। भगवान को, भगवान के चरित्र का लक्ष्मण जी को भी पता नहीं था। तो वहां पर सीता जी को अग्निदेव से वापिस भी लेना था। यह भी एक अंतर कथा यहाँ पर समाहित होती है कि सीता जी को कहा सीते आपको अग्नि परीक्षा देनी होगी। प्यारे सजनों, अब सीता ने लक्ष्मण जी के हाथ जोड़कर कहा कि लक्ष्मण हो धर्म के लेगी पावक प्रगट करो तुम बेगी। हे लक्ष्मण, आप अपने उस धर्म का निर्वाह करिए और अग्नि प्रज्वलित करिए। तो लक्ष्मण जी ने अग्नि प्रज्वलित की, माता ने अग्नि परीक्षा दी और स्वयं अग्नि देव लेकर के असली सीता जी को प्रकट हो जाते हैं। इधर में भगवान श्री राम ने हनुमान को नजदीक बुला रहा, उनसे कहने लगा हनुमान आप अयोध्या के लिए जाइए। उधर में विभीषण ने पुष्पक भी मंगवा लिया बंधुओं, और किस प्रकार से पुष्पक में बैठ करके रामानंद वापिस अयोध्या के लिए आता है आप संगीत के माध्यम से सुन सकते हैं।